हमारा देश महान क्यों है? क्योंकि यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती हैं, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं। मेरे रहते हुए स्टेट में कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता। अगर मैंने उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं पहनाई ना, तो अपने हाथों में चूड़ियां पहन लूंगा। हवा को तूफान बनते देर नहीं लगती, और तूफान को रोकने के लिए चट्टान की जरूरत पड़ती है। मैं अब तक गलती करने वाले को ढूंढ रहा था। मैं नहीं जानता था कि वो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाएगा। वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। So sir, we cannot let go of this. अगर मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, मेरी मौत तो तय है। तुम्हें एक बात समझनी होगी। याद रख, कल नहीं आ जाएगा, तेरे लिए भी यमराज आएगा। आपकी राजनीति और आप दोनों की रणनीति के बारे में मैं जानती हूँ। तू डिसाइड कर कि दोनों में से कौन सी बंदूक उठाएगा। अगर ये बंदूक की नली मेरी तरफ मुड़ी तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। हजारों को मिटाने का इरादा रखने वाले अपनी जान देने को तैयार हो सकते हैं, तो हम लोग अपनी जान क्यों नहीं दे सकते? मुझे स्मार्ट लोगों से सख्त नफरत है। उसकी एक और खासियत है, हर बुरा काम करता है, लोगों को मार भी डालता है, किडनैपिंग में भी एक्सपर्ट है। राजा की ताकत होती है पैसा, प्रजा और बुद्धि। मैंने तुम्हारा पैसा लूट कर प्रजा को तुमसे दूर कर दिया। तुम्हारे 35 साल के राजनैतिक करियर में आज कॉमन ही फुल स्टॉप लगाने वाली हूँ। किंतु तुम्हारी सरकार गिराने का दम हमारी राजनीति में जरूर है। ये सब मेरा ही खाते हैं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।